नाइजीरिया सरकार ने मर्चेंट नेवी के 16 भारतीय क्रू मेंबर को 10 महीने बाद रिहा कर दिया है। इसमें कानपुर के रोशन अरोड़ा भी शामिल थे। वह एक साल बाद अपने घर पहुंचे तो घर वालों से मिलकर उनकी आंखें नम हो गईं। इस दौरान वह जमकर खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है, इसी वजह से वह भारत लौट पाए हैं और एक बार फिर से अपने परिवार से मिल पाए हैं। मैं आज मेरी ज़िंदगी में सबसे खुशी वाला दिन है और मैं इन सब चीज़ों का श्रेय भारत सरकार को देना चाहूँगा। सबसे पहले जिन्होंने विदेश में फंसे हमारे लोगों को वापस बुलाया, उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूँगा अपनी कंपनी को जिसने बहुत दिन रात मेहनत करी, उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूँगा सुरेंद्र मेथानी जी का एंड महेश त्रिवेदी जी का, सुनील नारंग जी का एंड नवीन पंडित जी का, जिन्होंने रात दिन एक करके सरकार को मनाने में हमारी सहायता करी। आज आप अपने घर आ गए हैं लगभग 10 महीने बाद। हाँ जी, तो क्या लगता है कि जिस समय आप वहाँ फंसे हुए थे किस तरीके का माहौल था, क्या बताइए? बहुत डरावना माहौल था, शुरू में हम लोग बहुत डरे हुए थे और उसके बाद हर चीज फिर चालू हुई, फिर गवर्नमेंट ने भी इंटरफेयर करना शुरू किया, उसके बाद से हर चीज धीरे धीरे नीचे आने लगी और उसके बाद फाइनली हम आज रिलीज हो गए, मतलब 28 मई को हम रिलीज हो गए। तो क्या माना जाए, मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं? मोदी है तो ऑलवेज मुमकिन है। नहीं, नौकरी मैं करूंगा लेकिन थोड़े टाइम के बाद जाऊंगा, थोड़ा सा डरा हुआ हूं अभी मैं, थोड़े टाइम के बाद। हाँ जी, शुरू में तो बहुत डर लग रहा था लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सरकार ने लगा कि हाँ हम लोग आ सकते हैं। कितने लोग थे आप लोग और कितने वापस आ गए? हम लोग सब वापस आ गए, हम लोग 26 लोग थे और सबके सब वापस आ गए। एक वीडियो में आपको बंदूक की नोक पर ले जाने वाली बात आपने कही थी, तो वो किस वक्त हुआ था और किस तरीके का? वो जब हम लोग बाहर के पानी में थे, इंटरनेशनल वाटर्स में थे, तो एक देश की नेवी ने दिन के समय पे आके हमें, जब हमारे पास आए थे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उन्होंने हमें इक्वेटोरियल गिनिया ले जाना चाहा, उसके बाद वो हमारे पीछे आ गए थे और गन्स हमारे तरफ थी।